हनुमानगुट्टा पुलिस स्टेशन क्राइम टीम ने दो लोगों को अरेस्ट किए जो मोटरसाइकिल की चोरी में दोनों इन्वॉल्व थे। एक का नाम ईसा कुरैशी है, विधि बाजार याकूबपुरा का रहने वाला, और दूसरा एक बच्चा बॉय जूनेल। दोनों आए, इनका मॉडस ऑपरेंडी है एक मास्टर की बनाना और मास्टर की के जरिए ये पूरी गाड़ियों को चोरी करते थे। अभी इनसे 6 गाड़ियां रिकवर हुए। इनसे पहले इनके ऊपर 3 केसेस भी हैं, 2 केसेस सैदाबाद और 1 केस पहाड़ी शरीफ में इनके खिलाफ है। अभी उनके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी ओपन किया जाएगा और उस पर पूरी तरह से निगाह रखी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ये चोरियों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग, पेट्रोल कार्स और ग्लूकोल्स की पूरी ट्रेनिंग अभी दी जा रही है। उनको नए नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो ऑफेंडर्स है उन पर निगाह रखने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अभी क्राइम हॉटस्पॉट्स का भी आइडेंटिफाई किए, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन जगह पर पेट्रोलिंग ज़्यादा करवाएंगे और निगाह भी ज़्यादा रखी जाएगी। और सीसीटीवी कैमरास भी हम सब जानते हैं इंडिया में हाईएस्ट है हैदराबाद सिटी में। अभी रिसेंटली थोड़े चेन्नई आगे निकला, फिर भी दोनों हैदराबाद और चेन्नई दोनों टॉप में है और वर्ल्ड में भी टॉप 20 में हैदराबाद के नंबर ऑफ कैमरास में है। तो इस टेक्नोलॉजी के पूरे इस्तेमाल करके चोरियों को हम कंट्रोल में रखेंगे। सर ये प्रीवियसली इसके बारे में देखिए, इसका अभी तक मेरे पास डिटेल्स नहीं है, ट्रायल कहाँ तक आया अभी तो तक डिटेल्स नहीं है। मेरे ख्याल से उनको अभी एक्विट तो नहीं हुआ, पूरी ट्रायल तो पूरी नहीं हुई होगी। 1918-19 का केसेस है, प्रीवियस केसेस कितने थे? 3 के, 2 सैदाबाद और पहाड़ी। इनसे पूरे अभी तक 6 गाड़ियाँ रिकवरी। हाँ ये ऊपर भी अगर वो उसका पता होता कि ये चोरी की गाड़ी है तो उनको ऊपर भी रिकवरी, वो रिसीवर की तरह से उनको ऊपर भी केस आएगा।